नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइन। 12 घंटे उत्तर बंगाल बंद के समर्थन में जलपाईगुड़ी में भाजपा की रैली। 12 घंटे के उत्तर बंगाल बंद के समर्थन में जलपाईगुड़ी में भाजपा ने निकाली रैली। कालेगंज में राजवंशी नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में पिछले दो दिनों से जारी अशांति ने बुधवार की रात उस समय नया आयाम ले लिया जब प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस थाने में आगजनी की गई। पुलिस ने रात को आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, उस समय ग्रामीणों ने पुलिस को रोका। इस दौरान पुलिस पर फायरिंग के आरोप लगे और पुलिस फायरिंग में एक युवक के मारे जाने की खबर है। आरोपी की इस घटना में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने के प्रयास में गोली चलाई, वह युवक की इसमें मौत हो गई। अब पुलिस एक नए विवाद में उलझ गई। इस घटना के विरोध में भाजपा ने कल 12 घंटे के उत्तर बंगाल बंद का ऐलान किया है। बंद के समर्थन में जलपाईगुड़ी में गुरुवार की शाम भाजपा ने रैली निकाली। नेपाल में आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में 12 से 30 प्रतियोगी ले रहे हैं हिस्सा। 30 भारतीय एथलीट 28 अप्रैल को 5वें अंतर्राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप 2023 टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहे हैं। संस्था के सदस्यों ने बुधवार को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक पत्रकार वार्ता में ये बात कही। बताया गया कि योगा चैंपियनशिप 28 से 30 अप्रैल तक नेपाल के झापा में आयोजित की जाएगी। महिला और पुरुष दोनों की 6 कैटेगरी में खेल आयोजित होंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय खेल में उत्तर बंगाल से 15 सहित पूरे भारत से 30 खिलाड़ी भाग लेंगे। भारतीय टीम के कोच शिव हाजरा ने कहा कि योगा चैंपियनशिप में उत्तर बंगाल के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। हम सरकार से सिलीगुड़ी में 6ठी योगा चैंपियनशिप आयोजित करने का अनुरोध करते हैं। अलीपुर द्वार में अभिषेक बैनर्जी की नवज्वार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अलीपुर द्वार जिले के कुमारग्राम ब्लॉक पहुँचे अभिषेक बैनर्जी। कुमारग्राम में अभिषेक बैनर्जी के कई कार्यक्रम हैं। गुरुवार को अलीपुर द्वार में अभिषेक बैनर्जी की रैली के बाद कई जनसभाएं हैं। इसके बाद पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों चयन के लिए मतदान प्रक्रिया आयोजित होगी। মাথাভাঙ্গা বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা পঞ্চানন মোড়ে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, পৃথক দুটি পথ দুর্ঘটনা, আহত 6 জন। ঘটনা আহত 6 জন চিকিৎসাধীন মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে। নমস্কার, আপনারা দেখছেন জায়গা মেরা, আমি বৃষ্টি পাঠক আপনাদের সঙ্গে। জানা গেছে পঞ্চানন মোড়ের আগে ধোদরা সেতুতে দ্রুত গতিতে আসা একটি পিকআপ ভ্যান একটি বাইকে ধাক্কা মারে, এরপর গুরুতর জখম হন বাইক চালক। সেই পিকআপ ভ্যানকে তাড়া করতে হয়ে পঞ্চানন মোড়ে এলাকায় একটি ছোট গাড়ি ধাক্কা মারে টোটোতে। টোটো চালক সহ 5 জন যাত্রী আহত হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা থানায় নিয়ে আসে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। ফায়ারিং মে এক ইউক কি মত ফির গরমায়া কালীগঞ্জ কা মাহল। পুলিশ ফায়ারিং মে এক ইউক কি মত কে আরোপ মে ফির এক বার উত্তেজিত হোটা কালীগঞ্জ। ইস ঘটনা সে এক বার ফির শহর মে হড়কম্প মচ গয়া হে। थाना आगजनी मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के दौरान फायरिंग का पुलिस पर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। घटना कालीगंज ब्लॉक के राधिकापुर इलाके में बुधवार को हुई है। सूत्रों के अनुसार मृतक युवक का नाम मृत्युंजय बर्मन है, उम्र 33 वर्ष, वो राधिकापुर क्षेत्र के चांद गाँव निवासी थे। भाजपा का आरोप है कि पुलिस ने बुधवार देर रात राधिकापुर पंचायत समिति सदस्य विष्णु बर्मन के घर छापेमारी की। चूंकि वह उस समय घर पर नहीं थे, इसीलिए पुलिस ने उनके बुजुर्ग पिता को गिरफ्तार करने की कोशिश की। ग्रामीणों ने पुलिस का रास्ता रोक लिया। आरोपी की पुलिस ने शक के आधार पर 2 राउंड फायरिंग की। शरीर में गोली लगने से मृत्युंजय गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में जब उन्हें कालीगंज स्टेट जनरल अस्पताल ले जाया गया तो ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने मृत्युंजय बर्मन को मृत घोषित कर दिया। चाय बगानों की जमीनों को फ्री होल्ड भूमि में बदलने के खिलाफ श्रमिक परिवारों ने छेड़ा आंदोलन। चाय बगान की जमीन कॉर्पोरेट्स को सौंपी जा रही है। 12 लाख आदिवासी और अन्य श्रमिक परिवारों को अपनी जमीन खोने का डर सताने लगा है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भूमि हड़पने के कानून के खिलाफ चाय बगान बहुल इलाकों में आंदोलन शुरू हो गया है। चाय बगानों सहित अन्य क्षेत्रों में फ्री होल्ड भूमि को परिसीमित करने और अन्य
व्यवसाय और उपयोगों में परिवर्तित करने के लिए पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन के परिणाम स्वरूप सैकड़ों वर्षों से चाय बगानों में रहने वाले आदिवासी मजदूरों को भूमि का वास्तविक नुकसान होगा। गुरुवार को आंदोलनकारी संयुक्त मंच की ओर से माटीगढ़ा ब्लॉक के भूमि एवं भू राजस्व कार्यालय पर एकत्र हुए और चाय बगान वासियों को भूमि अधिकार शीघ्र वापस दिलाने तथा राज्य सरकार के भूमि हड़पने वाले कानून को रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में भड़क उठे। CPIM दार्जिलिंग के जिला सचिव समन पाठक ने कहा, लंबे समय तक इन चाय बगान श्रमिकों ने अपने श्रम के एक उद्योग को जीवित रखा है। आज राज्य सरकार ने उन्हें चाय बगान की जमीन से वंचित करने और कॉर्पोरेट जगत को जमीन लूटने का लाइसेंस देने के लिए एक अनुकूल कानून पारित किया है। इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।